मिट्टी उसमें डूबते हैं, वाह मिट्टी बहुत अच्छी लग रही है, ओ वाह वाह मिट्टी का डांस देख लो सब। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, उम्मीद आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। तो है आज फ्राइडे, 2:30 बज रहे हैं दोपहर के, और आपकी होस्ट आपके सामने है, मिट्टी किचन में है लाइक यूजुअल। पापा कल मलेशिया से वापस आए हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें भी लेकर आए हैं और मेरे लिए यार्न भी आई है। और पापा के काम देखो, आई वॉज एक्सपेक्टिंग मलेशिया की लोकल यार्न। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट देखिए और देखते हैं आज की वीडियो कैसे गुजरती है। और प्लीज़ वीडियो आप लोग एंड तक देखिएगा। और तो ये रहा वफी। तो गाइस वो देखे मेरी न्यू यार्न, ये बाबा मेरे लिए मलेशिया से न्यू यार्न लेकर आए। ये आगे वाली गज़ल बेबी कॉटन ही, वो जो आपको नुकतों नुकतों वाली दिख रही है ना, पर्पल वाइट और वो ब्लू के साथ भी जो पर्पल, वो सब बाबा लेकर आए हैं। ये कुछ और भी गिफ्ट्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। लोनी से हाय टू एवरीवन दूना। और वो कुछ चॉकलेट्स हैं बड़ी यम्मी सी है, उसका भी आपको बताऊंगी, बहुत टेस्टी है। और वो फ्लावर जो आप देख रहे हैं कल मुझे आलिया ने दिया था हैप्पी मदर्स डे पे। तो मिठी ने बनाए हैं नूडल्स, ये आगे मिठी, ये मिठी ने बनाए हैं नूडल्स। वाह मिठी चाइनीस बहुत अच्छा बनाते हैं। और ये जो नूडल्स बनाए ना मिठी ने, हमारे घर में ना मिट्टी को स्पेशल बोला जाता है कि प्लीज़ ये भाई बनाएं आप, ऐसे ही है ना। तो गिफ्ट्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, पहले हम लोग खा के आपको मैं बताती हूँ। मिट्टी ने ये मैंने अपना स्टेशन साफ़ किया था क्योंकि मैं जब बन रहा है, क्योंकि जब मैं कोई प्रोजेक्ट करती पाब्लो प्रोजेक्ट कर रही होती हूँ तो काफ़ी गंद पड़ जाता है। तो फिर मिट्टी ने भी परसों साफ़ किया था मेरा स्टेशन, लेकिन मैंने आज ख़ुद भी किया है। तो खा के बताते हैं कैसा बना है। अच्छी बना होगा देखो। अच्छा मज़ेदार। आप खाओ। मुझे ना वैसे पसंद नहीं है पर मुझे मिट्टी को लंच में, ये हम लोग को होते इवनिंग स्नैक टाइप में, जब जो हल्की फुल्की इवनिंग में आपको होते ना तब। मुझे नूडल्स वगैरह पसंद ही नहीं है, तुम क्या खाते हो? वो अजय रात को आपने मलेशियन फूड खाया, कैसा लगा आपको? है ना, वो भी आपको गाइस आप लोगों को दिखाएंगे हम। तो गाइस मिट्टी मेरी तैयारी करवा रहे थे क्योंकि अगले फ्राइडे है हमारा बहुत ही स्पेशल फ्राइडे जो कि है गुड फ्राइडे, देख सके। तो ये रही मैं, तो मिट्टी तैयारी करवा रहे थे मेरी और मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, सीखा तो बहुत पहले से, लेकिन जाहिर सी बात है मिट्टी ने एक प्रॉपर तरीके से थियोलॉजी की हुई है। तो मैंने तो डॉक्टरीन में ही छोड़ दी थी, साफ बात है, मैंने कंप्लीट अपना नहीं किया, लेकिन वो भी मैं कंप्लीट कर ही लूँगी बिकॉज मिट्टी सर्टिफाई करते लोगों को, मगर वो बड़ी ईमानदारी से करते, वो चाहे अपनी बीवी को फ़ौरन यू सर्टिफिकेट बना के देते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जो एक प्रॉपर तरीका है तुम्हें सीखना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तब तुम होगी। तो एग्ज़ाम से बताती चलूँ, अगले हफ्ते 31 मार्च से मेरे जो मैं पढ़ाई करी थी उसकी टाइम शीट आ चुकी है। मेरे एग्ज़ाम्स 31 से शुरू होंगे, थ्रू आउट अप्रैल मेरे चलते रहेंगे, 2-2 दिन का गैप है। तो पापा जो कुछ गिफ्ट्स हमारे लिए लेकर आए हैं वो मैं आपको दिखाती चलती हूँ, और बाकी की चॉकलेट्स और जो खाने पीने के वो भी दिखाऊंगी। तो ये मिट्टी के आए हैं जूते और पापा को इतने पसंद है, पापा ने कहा कि यार मैंने ना 2 दिन पहने, बहुत ज़बरदस्त जूते हैं।
ये ओरिजिनल एडिडास पापा इनके लिए लेकर आए, क्योंकि काम पे जाते हैं तो मिट्टी की ये नीड है। और टी शर्ट्स वगैरह लेकर आए हैं, मलेशिया की कोई वहाँ पे ब्रांड है, उधर की है ये, आई थिंक सो क्या नाम है, जो मलेशिया में है उनको पता होगा ये क्या है वो जी। बहुत अच्छे, ये देखिए जो एक सोवेनियर टाइप होता है, कुआला लंपुर, और ना ये एक एम्बोस्ड है ये, कुआला लंपुर मलेशिया। और मेरा बैग पापा मेरे लिए यार्न देखे थे, यार्न से मैंने आप लोगों को सुबह दिखा दी थी, और ये एक बैग लेकर आए मेरे लिए, क्योंकि उनको पता है मैं अपनी यार्न वगैरह रखती हूँ। और ये है, चॉकलेट्स हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, और मिट्टी वफी को थैली में डालने लगे थे, मुझे लगा था जूता मिट्टी ना, जूते शूज को जूतों को ना जूता ऐसा करके बोलते हैं, जी भी लैंग्वेज इनकी। तो मिट्टी, मैं मिट्टी को कह रही हूँ कि जाके प्लीज साग वाले पकौड़। अच्छा गाइस, मैं तो बताना भूल गई यार, मिट्टी में कितने दिनों से आपको बोलूं, मेरा दिल कर रहा है साग वाले पकौड़े खाने को। गाइस गेस व्हाट, मैं आप लोगों को अपना वजन नहीं बताऊंगी जितना मेरा था, लेकिन मेरा जितना वेट था उससे मेरा 4 किलो कम हुआ है। ये तो इसका मतलब है कि भी जो इंटेंसिटी बढ़ेगी, अब मैंने अपने इंस्ट्रक्टर कहा था, अब मेरा गोल है कि मैं मुजीद 5 किलो और कम करूं, लाइक आफ्टर एवरी 2 वीक वो हमारे चेक करता है वेट एंड एवरीथिंग, तो मेरा 4 किलो। मिट्टी ने शर्ट पहन, वाह मिट्टी आप पे बहुत अच्छी लग रही है शर्ट, फैब्रिक कैसा है, ठंडा ठंडा, क्योंकि पापा बता रहे थे मलेशिया में बारिश और गर्मी दो मौसम सिर्फ, तो या मैं मिट्टी की सलमान खान वाली बॉडी नहीं अभी आप लोगों को दिखा सकती, तो अभी शर्ट पहन रहे हैं नहीं, क्योंकि वैसे भी हमारी बहनें देखती हैं, बेटियां देखती हैं, तो एक ना होता है, तो इसलिए मिट्टी शर्ट पहन ले। ऐसे यार ये देखो, ये 2XL और मिट्टी को यहाँ के 2XL, मिट्टी उसमें डूबते, वाह मिट्टी बहुत अच्छी लग रही है, ओह वाह वाह, मिट्टी का डांस देख लो सब वो भी को देख लो, दुनिया जहान का ख्वार कुत्ता। अच्छा मिट्टी से ना बड़ी जान छुपाते हैं ये लोग। तो गाइज और गाइजनियों, अभी मैं आपको दिखाती हूँ पापा मलेशिया से जो फ्रोजन फूड होता है ना वो लेकर आए हैं, और रात को ही मैंने मिट्टी ने ओपनिंग कर ली थी, है ना मिट्टी। तो गाइज ये ना पापा को मालूम है आई लव चॉकलेट मिंट जो है, इट्स ऑलवेज बिन माई फेवरेट। इवन मिट्टी को मालूम है कि बैस्किन रॉबिन में भी जब हम जाते हैं ना, तो मैं आइसक्रीम लेती हूँ चॉकलेट मिंट विद चॉकलेट चिप्स। ये चॉकलेट गाइस इतनी ज़बरदस्त है, ये जब आप मुँह में डालते हैं तो पप 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 ऐसे होती है। और एक ये भी थी तिरामिसू मिल्क चॉकलेट, वैसे तो बहुत ज़्यादा है, तो मैं ये सिर्फ अपने कमरे में लेकर आऊँ, बाकी बाहर पड़ी हुई हैं, जिसको खाएंगे खाएंगे। बहुत टेस्टी, आई थिंक सो ये वहाँ का ही ब्रांड है कोई बैरल्स, तो पापा यही लेकर आए हैं इस टाइप की चॉकलेट विथ मैस्क्रपॉन चीज पाउडर, बहुत टेस्टी, ये तो मेरी फेवरेट है। मेरे पापा कहते हैं ज़्यादा लेकर आनी थी, पर पापा कहते हैं कि मुझे तो पत्नी अच्छी हो या ना हो, सो इसलिए वो एक एक डब्बा लेकर आते। इनको देख लो भूखे नंगे आ गए। तो ये थी यार्न जो बाबा लेकर आए, ये यार्न, ये यार्न, ये वाली यार्न, ये वाली यार्न, ये भी और ये भी। पापा कह रहे थे मुझे, क्योंकि ऑफकोर्स उनको कलर्स नहीं ना पता, बट आई लव इट, क्या इनकी सॉफ्टनेस है। और ये जो है 100 ग्राम की है, हया फिस्ट, और ये वहाँ से पापा को पड़ी थी, ये देखिए 49.90 रिंगेट की, मलेशियन रिंगेट की, और ये किसी मॉल से बाबा लेकर आए थे, पता नहीं लिखा होगा पर सिरदार हेफल बोनस और पता नहीं क्या क्या। तो ये हम डाल देते हैं इसको वापस इधर, मिठी अपनी इस औलाद को पकड़ो। तो गाइस ये देखिए, ये देखिए डैडी आ चुके हैं, मिठी ने जो बनाया था नूडल्स तो आप लोग को दिखा, ये बाबा लेकर आए हैं आई लव कुआलालंपुर, और ये भी लेकर आए हैं मलेशिया का। ये जितने भी आप देख रहे हैं सब हम लोगों ने खुदा के फजल से हम इन जगहों पे सब होकर आए हैं। चलिए ये देखिए इस तरह का होता है, ये देखिए फूड बर्गर्स, ये देखिए कितने सॉसेजेस, ये सैंडविचेस। इनको बस क्या करना होता है, अगर आप लोगों के पास माइक्रोवेव है तो आप लोग क्या नाम है
उसको माइक्रोवेव में गर्म कर सकते। ये एक्चुअली रीमा पत्नी गई है कि नहीं? अच्छा, रीमा का रूम जरा भी मैसी है तो इसलिए। तो हम लोगों ने एक्चुअली, मैंने और मोनिका ने जाके लेकर आने हैं वो डब्बे ना, जहाँ पे रख सके। ये देखिए इस तरह के बैग्स, इतने खूबसूरत बैग्स बने हुए हैं ना, ये बहुत ही प्यारे बैग्स बने हुए हैं। तो इस तरह की, तो हमने कहा था कि फ़िलहाल तो अभी अपने कमरे में रख लो, क्योंकि मैं अपने कमरे में इसलिए नहीं रख सकती क्योंकि वहाँ पे वूफी लोग होते हैं और चॉकलेट्स, पता है कुछ चॉकलेट्स इनके लिए टॉक्सिक होती हैं। पार्किंग से इन्होंने खोली है। हाँ देखिए गाइस, हाय 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 हाय, मज़े 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 आ गए। ये ट्राई करके देखते हैं, मज़ेदार। चार किलो वजन कट कर लिया, पर बढ़ जाए हुन, बहुत लजीज मज़ेदार। हम लेते थोड़ी सी और बाइबल, एक मिनट। ये देखें पापा, वहाँ पर पापा हाथ हिला के, हाथ हिलाए व्यूवर ना मेरे। तो जी गुड इवनिंग, सब कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? पीछे से आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैं बना रहा हूँ। मैं बना रहा हूँ अभी टमाटर की चटनी, सॉसेजेस बनाऊँगा, पराठे बनाएंगी, ठीक है? और चिकन का कैरी, उसको खाना खाना है। मैंने वैसे जितनी रोज बनाए थे तो उसको से समझ नहीं आई, तो अभी खाना प्रॉपर बनाते हैं। अभी पराठे के साथ साथ चटनी भी पहुँचेगी तो अच्छा लगेगा। तो चले बनाते हैं। मिठी कुछ खिला दे यार, तरप्पल आए। तुम्हारी गलती है। हाँ आज मिठी ना अपने जो यूजुअल जो उनकी एनर्जी होती है उससे बहुत डाउन है, क्योंकि हुआ क्या था, पापा आए थे, यानी कि उनकी फ्लाइट तो लैंड 2 बजे हुई थी, लेकिन घर पहुँचते पहुँचते उनको 3:30 हो गए थे। तो जैसे 3:30 हुए ना, मिठी सो चुके थे, लाइक वो रिसेंटली ही न्यू नई नवेली नींद वाली परी बन के नींद में गए थे। तो मैंने मिट्टी को उठा दिया क्योंकि मैं एक्साइटेड हो गई थी ना, मिट्टी चीजें देखो आपके लिए आई हैं, तो मिट्टी भी उठ गई। तो फिर मिट्टी का मसला है, मिट्टी का मसला है, वो एक बार उनकी आंख खुल जाए तो दोबारा सोने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी कभी तो नहीं वो सोते। हाँ तो यही हुआ। चलो चले, चलो बाहर का चक्कर लगा। आज आप मुझे कुछ बन, पहले मुझे कुछ बना के, मैंने प्रॉपर नहीं खाना खाया है, बनाऊं भी कुछ भी नहीं पड़ा। तो अब मैं और बच्चे, बच्चे मिट्टी रह गए, हम लोग जा रहे थे थोड़ी सी राइड के लिए, क्योंकि अंदर रह रहे के थक गए थे, काम कर करके मैं थक गई थी, पढ़ पढ़ के मैं थक गई थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट करते हैं फॉर हाफ एन आवर ब्रेक, तो हम वो करने जा रहे हैं। मिट्टी बच्चे नीचे ले गए थे क्योंकि मुझे हाथों धोना था, वॉशरूम वगैरह जाना था, तो कपड़े नहीं मैंने चेंज किए क्योंकि नीचे तो उतरना नहीं है और बारिश भी हुई थी अच्छी खासी, तो वो हम वीडियो बनाना भूल गए थे। अच्छा अब ये नहीं याद मैंने पार्किंग कहाँ की थी। अभी आप देख सकते हैं गाड़ियों की हालत से कि बारिश अभी अभी रुकी है, एकदम से बिजली चमकी थी, बारिश शुरू हुई थी। चलो भाई, ये देखिए मिट्टी ने बच्चों को बिठा दी गाड़ी में। ये देखिए, ये पाबलो अपनी जगह, पाबलो अपनी जगह पे आके मिट्टी गाड़ी स्टार्ट की है। ये देखिए अभी ये फ्रेश बारिश ख़त्म हुई है इधर से, ऐसा लगता है किसी ने वो बाल्टी से पानी फेंका ना, नकली बारिश इंडियन फिल्म की। कोई बदली होगी नहीं, बादल हैं अभी भी। वुफी 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 वुफी, गो 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 गो। ये देखो ये ना हमारे यहाँ पे मूवी की शूटिंग हो रही है, तो ना बारिश का सीन था तो उन्हें नकली बारिश की थी। तो गाइज हम लोग जा रहे हैं अपनी मासी के घर पे, वहाँ पे जैसे हर फ्राइडे हम लोग कहीं ना कहीं इकट्ठे होते हैं, तो आज मासी के घर पे इकट्ठे हो रहे थे। तो हम लोग बच्चों को घुमा के उनको घर पे छोड़ के कपड़े वगैरह चेंज करके अब हम जा रहे हैं वहाँ पे। तो जहाँ पे लोग रहते हैं इतने प्यारे प्यारे यहाँ पे घर हैं, मैंने बहरीन में एक स्टैंडर्ड टाइप के घर होते हैं हर जगह देखने को मिलते हैं। अब जिस घर के पास मैं लेके जा रही, वो घर मेरा ऑल टाइम फेवरेट है,
हमारे पाकिस्तानी ब्लॉगर जैसे बोलते हैं ना, ऑल द टाइम एवरी टाइम का फेवरेट है ये। देखें गाइस कितना खूबसूरत ये घर है, और ये हर रमज़ान में ना अलग अलग तरीके से थीम करते हैं। और एक है घर, ये तो इस घर में बहुत बार आई हूँ, ये मामा की एक क्लाइंट है, इनके जो अबू है ना वो हमारे किंग के पायलट थे, तो उस घर में जो घर अभी मेरी मामा की वक्त था ना उसके अंदर लिफ्ट भी है, और मेन गेट से लेके जो एक्चुअल घर के दरवाजे तक पूरा मार्बल लगा हुआ है, कॉबल स्टोन कुछ भी नहीं, पूरा मार्बल का फर्श है। और इधर पता नहीं तकरीबन 10 फुट बड़ा और 20 फुट चौड़ा फिश टैंक है, उसके अंदर बड़ी बड़ी मछली हैं, बहुत प्यारा घर है वो। तो वो खूबसूरत घर तो मैंने आपको दिखा दिए। तो सिंस रमज़ान है, ईद वीद आ रही है, हमारे मुस्लिम बहन भाइयों ने अपने घर ऐसे सजाए हुए हैं जैसे हम लोग क्रिसमस और हमारी दूसरी रिजरेक्शन डे की ईद होती है हम सजाते हैं। खैर हम लोग ये वाली ईद को पे इतना नहीं सजाते जितना हम क्रिसमस को सजाते हैं। तो आगे अभी कंस्ट्रक्शन है तो इधर दिखाने लायक कुछ नहीं है। तो गाइस ये आ गया घर मासी का, और अभी यहाँ पे पार्किंग ढूंढना मुश्किल होगा क्योंकि सबकी गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये शुबेब की गाड़ी खड़ी नहीं, यहाँ पर जगह नहीं है। यूसुफ की गाड़ी, हाँ मैं दरख्त नीचे कर लेती हूँ, ये यूसुफ की गाड़ी, ये मोनिका की गाड़ी, और बाकी भरा रुक जा। ये रहा घर मासी का, जैसे सामने भी थी गाड़ी पार्किंग मगर इधर से दरवाज़ा खुला हुआ है, बेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो चलो चलते हैं। गाइस अभी हम मासी के घर से आ चुके हैं, वहाँ पे हमने इसलिए वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि हम लोग जाके डांस वांस हम लोग शुरू कर दिया था। माँ क्यों नहीं रहा इतना? अच्छा बेटी होता मैं कैसे डांस करती हूँ, अच्छा। और मेरी मिट्टी को बिल्कुल डांस करना नहीं आता। तो अभी हम घर जा रहे हैं, और हम तो अभी हम आगे घर अभी ऊपर जाके देखते हैं बच्चों ने क्या गदर मचाया होगा। तो पर कोई नहीं, हम लोग लेकिन उनको घुमा के लेकर आए थे, तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं। कब से टाइमिंग भी मेरी चेंज? हाँ मिट्टी का हाफ एन आवर उन्होंने आगे कर दी है, पहले 4 to 2 था, अभी 4:30 to 2। तो बेसिकली मैं मिट्टी को अभी 4:30 काम पे छोड़ूंगी, जिम भी फिर उसी हिसाब से मैं करूँगी, तो कोई बात नहीं चलता है। तो बटन दबाओ ना भाई साहब। हाय हाय, तो हम आ चुके हैं घर, हमारे बच्चे हो चुके हैं पागल, कपड़े चेंज करके हम लोग क्लोजिंग करेंगे अपने आज के व्लॉग की। और तो गाइस ये देखो मिट्टी पलट, ये देखो मिट्टी का यूनिफॉर्म चेंज हो गया, मिट्टी पे बहुत सूट कर रही है ये शर्ट। तो गाइस बस इतना ही, अभी हम दोनों क्या करेंगे, मिट्टी ग्रीन टी बनाने जा रहे हैं, ग्रीन टी पी के हम दोनों कुछ प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे थोड़ी बहुत, और बस यही था कुछ आज का व्लॉग, कुछ ख़ास नहीं, इफ्तारी का व्लॉग अभी भी हम लोगों का पेंडिंग है एज़ पर प्रॉमिस्ड। तो या बच्चे ये देख लें पंजे खाए जा रहे हैं, पाब्लो की नज़र उसके पंजों पर है और लूना उसको लेने नहीं देगी। पाब्लो नीचे से भाई ले आ। तो चलें इनका तो चलता रहेगा, मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, तब तक डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड कीप वॉचिंग शमान अनिकास ब्लॉग्स।